नमस्कार, मैं हूं सिमरन राजपूत और आप देख रहे हैं नॉर्थ न्यूज जम्मू। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। हिंदी दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर में रेलवे विभाग ने आयोजित की काव्य गोष्ठी। जम्मू के स्टेशन डायरेक्टर अथवा डिविजनल ट्रैफिक मैनेजर उचित सिंगल ने हिंदी भाषा को संपर्क और संवाद का सबसे बेहतर माध्यम बताया। एक दो बातें जो मैं मुझे मेरे नोटिस में आए वो आपको शेयर करना चाहता हूँ। आज की डेट में 50% से ज्यादा जो हिंदुस्तान में टोटल आबादी का प्रसाम देखें तो 50% से ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं और ये दुनिया में सबसे बड़ी बोलने वाली भाषा बोल जाती है और इवन यूएनओ के भी जो उसकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसमें भी हिंदी को मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले यूएनओ की भी जो ऑफिशियल वर्किंग लैंग्वेज है उसमें भी हिंदी को मान्यता मिली है, ये एक बात। दूसरी बात ये हम जो नॉर्मली नोटिस करते हैं कि हमें दो चीज़ें हैं, एक तो हम बोलने में हिंदी में बात करते हैं, ये सभी करते हैं, सबको पता है। मुश्किल तब आती है जब उसको लिखने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कि हमें लिखना नहीं आता, मुश्किल वहाँ आ जाती है कि जो हम शब्द लिखते हैं वो हम नॉर्मली बोलते नहीं। जो आप मान लो आप हम एक वर्ड यूज करते हैं सभी अप्रोच, तो हम उस वर्ड को बोलते नहीं है, सुनते नहीं है, इसलिए हमें वो लिखने नहीं पड़ता। अगर हम ऐसे कुछ कुछ शब्द वर्ड्स जो है पहले बोलना शुरू करें, बोलने में जब फ्लुएंसी आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर लिखने में बहुत आसान होता है। जम्मू के पुंछ में एक बड़ा हादसा, खाई में बस गिर जाने से 12 लोगों की मौत, 20 से अधिक घायल। सूत्रों के मुताबिक बस में 20 से अधिक लोग सवार थे जिसके बाद ड्राइवर द्वारा बस का संतुलन खो जाने से बस खाई में जा गिरी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे को लेकर अपना दुख जाहिर किया। जम्मू के उपराज्यपाल मनोहर सिन्हा ने इस हादसे पर अपना गहरा दुख जताया। घायलों का हाल चाल लेने के लिए उन्होंने अस्पताल का दौरा भी किया। उपराज्यपाल मनोहर सिन्हा ने मृतकों के परिजनों को राहत राशि के तौर पर 5 लाख देने की घोषणा भी की है। JKPSI रिक्रूटमेंट में हुए घोटाले के बाद CBI की जांच में अब तक करीबन 53 लोगों के नाम सामने आए, लेकिन इनमें से अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। CBI के मुताबिक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र 20 से 30 लाख रुपए में बेचा गया था। जम्मू में लगातार डेंगू के मामले सामने आ रहे हैं। हर दिन 40 से 50 लोगों में डेंगू की पुष्टि की जा रही है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार अक्टूबर महीने तक अधिक मामले सामने आने की संभावना है। जम्मू के गंग्याल में एक महिला बैंक कर्मी के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़िता राजस्थान की रहने वाली थी और हैप्पी सिंह नामक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए इन्होंने मामला दर्ज करवाया। जानकारी के मुताबिक महिला पहले से ही इस व्यक्ति को जानती थी, जिसके बाद यह व्यक्ति इस महिला के घर घुसा और इस दुष्कर्म को अंजाम दिया, साथ ही महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नॉर्थ इंडियन न्यूज, जम्मू।